हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं महा एपिसोड कंप्लीट पेपर वन का, पीपल एंड एनवायरनमेंट। अभी के अभी आपका हो जाएगा। सो आर वी रेडी फ्रेंड्स? यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नव क्लासेस पे न्यू है देन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके साथ बेल आइकन दबाइए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स, आज रात को 10 बजे हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास है, ठीक है, रिवाइज इंडिया में। तो रिवाइज इंडिया चल रहा है, नव क्लासेस कोड से आप अनलॉक कर पाएंगे। मेक श्योर कि कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। और महा एपिसोड की अगर बाकी की क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, ऑलरेडी मैं आपको महा एपिसोड में फ्री क्लास में क्या क्या करा चुकी हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, रिसर्च करवा दिया, कम्युनिकेशन करवा दिया, आईसीटी भी करवा दिया, आईसीटी करवा दिया महा एपिसोड में, ठीक है, हायर एजुकेशन करवा दिया है, आज पीपल एनवायरमेंट करवा रही हूँ। हाँ, करवा दिया, मुझे याद आ गया, आज पीपल एनवायरमेंट करवा रही हूँ। तो मतलब मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स करवा दी हैं। अब फिर बचेंगे हमारी प्रैक्टिकल यूनिट्स, उसको फिर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पूरे जोरों शोरों से पीपल एनवायरमेंट को कवर करते हैं। काफ़ी सारी स्लाइड है लेकिन यस, पूरा क्लास देखोगे तो आपका पीपल एनवायरमेंट फास्टली रिवाइज भी हो जाएगा, कवर भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख लेना। एंड अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिल जाता है कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स की भी क्लासेस। अगर आप कोई और सब्जेक्ट के हैं तो एडुकेटर अवेलेबल है तो वो वाली क्लासेस भी मिल जाएंगी, मोस्ट ऑफ तो है ही। एंड ऑल्सो मेरे एग्जाम ओरिएंटेड एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोर्स मिल रहा है। देखने के लिए नवदीप कौर सर्च करते हैं मेरी प्रोफाइल में, ऑनगोइंग कोर्सेज में ऑनगोइंग कोर्सेज देखते हैं। कंप्लीट कोर्स जो हो चुका है वो कंप्लीटेड कोर्स में आएगा। मेरी फोटो पे क्लिक करना, मेरी प्रोफाइल में जाके देखना, ज़्यादा आसानी से मिलेगा ऑनगोइंग या कंप्लीटेड कोर्सेज में से। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए नव क्लासेस कोड से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस हाइक भी होने वाला है, मेक श्योर कि आप इससे बच जाए। एंड अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने के सोच रहे हैं तो उससे 2 मंथ एक्स्ट्रा फ्री भी मिल रहे हैं। सो ये ऑफर वैलिड है 8 से 15 सितंबर तक। नव क्लासेस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लेना चाहते हैं तो श्योरली यू कैन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक गेट सब्सक्रिप्शन का भी दिया हुआ है। फ्री चैंपियनशिप वॉक टेस्ट भी चलते हैं, इसको भी अनलॉक करने का कोड लगता है नव क्लासेस न्यू लर्नर्स के लिए। टेलीग्राम पे नव क्लासेस सर्च करके फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि मैं सुबह सुबह वहीं पे बताती हूँ कि मैं कितने बजे आऊंगी, आज क्या करने वाले हैं, लिंक देती हूँ, ठीक है। तो पूरा PDF आज सुबह मैंने दे दी महा एपिसोड्स के। फाइल के अंदर जाओगे ना मेरे वाले चैनल पे, इस वाले पे, तो इसमें फाइल्स में मिल जाएंगी। मैं इंटीग्रेट कर देती हूँ रात वाली PDF और सुबह वाली PDF। नव क्लासेस सर्च करना, मिल जाएगा। अच्छा, ये आपका अब बचे हैं 21 डेज, ठीक है, 21 डेज इन सितंबर एंड 5 डेज इन अक्टूबर जी। और फ्रेंड्स, अब बिल्कुल ही लिमिटेड स्टॉक बचा है। इफ यू वांट यू कैन बुक, एंड इवन अभी भी मौका है कि आप जो अपनी प्रिपरेशन है मेरी जो बुक है उससे कर सकते हैं। इसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड MCQs दिया हुआ है, ठीक है। मेक श्योर टू हैव इट एंड हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो हो सकता है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपके जो है किस्मत आजमा के देखिए, क्या पता इसी बारे में निकल जाए, टाइम वेस्ट ना हो अगले एक साल का, ठीक है। सो लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी आएगी लेकिन तब भी आप उसमें से पहले 2020 क्वेश्चन कीजिएगा, फिर उसके बाद 2018 तक के, फिर यूनिट वाइज है सारे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड MCQs पहले कीजिएगा, फिर आप पिछले वाले क्वेश्चन और पिछले वाले कीजिएगा, सारे दे रखे बहुत ही आसान तरीके से ऑथेंटिक आंसर की के साथ। सो मेक श्योर डू नॉट वेस्ट योर टाइम। एंड कॉमर्स की भी बुक मेरी है जो कंसेप्ट प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग इन वन सिंगल पैकेज, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यू कैन गो थ्रू। कॉमर्स वाले के लिए सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो बाय करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इसमें तो सामने आया था। सो आर वी रेडी फॉर पीपल एनवायरमेंट? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बुक जो है लिखी हुई इंग्लिश मीडियम में है। अगर आपको इसकी हिंदी में चाहिए तो ई बुक मैं प्रोवाइड करा दूंगी साथ में, तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिल जाएंगे जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं। सो कुडोज ई लर्निंग ऐप में अकाउंट बना के मेरे को ईमेल कर देना, बुक के अंदर ईमेल आईडी भी दी हुई है। सो लेट्स सी,
फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम वो वाले टॉपिक को लेते हैं जो पता है 100% आने आने और हर बार आते ही है। सो हमारा जो सोर्सेज है ना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो कौन कौन से हम काउंट करते हैं? विंड पावर, सोलर पावर, बायोमास, वेस्ट टू पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर्स। सो इसमें से अभी जो टारगेट है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। 2022 तक का जो हमारा टारगेट है वो है 60 गीगावाट, गीगावाट में अगर करना है तो, एंड देन 100 गीगावाट सोलर का, 60 विंड, 100 सोलर, देन 10 गीगावाट आपका जो बायोमास आ जाता है, वेस्ट टू पावर आ जाता है, उसको एक ही जगह पर डाल दिया गया है, 5 स्मॉल हाइड्रो। ट्रिक ये है, इन दोनों में बस फंसते हैं, तो छोटा है स्मॉल हाइड्रो और उसका 5 सबसे छोटा है, ठीक है। ऐसे टोटल कुल मिला के 175 गीगावाट हो जाता है, गीगावाट में 175, मेगावाट में ये 3 जीरो और लग जाती है। इज दिस क्लियर? इसके अलावा ये भी है कि हाँ जी देखो, जो आपको बुक दी गई है उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है, यानी कि सभी प्रीवियस क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बुक से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन चार्ट्स के थ्रू। आप कंसेप्ट महाएपिसोड से कीजिए, पीडीएफ आपको रात को 10 बजे वाली क्लास के साथ इंटीग्रेट करके टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देती हूँ, और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, समझे। और कंसेप्ट वाली बुक अगर है तो उसके अंदर दे भी रखा है। अब आते हैं यहाँ पर इंस्टॉल्ड क्या हो चुका है। इंस्टॉल्ड ऑलरेडी मतलब हमारा क्या क्या कितना हो चुका है। अगर हम टारगेट में देखें तो हमने 100 गीगावाट सोलर के लिए करा हुआ है, और अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा इंस्टॉल्ड है तो विंड पावर सबसे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड है इंडिया में, फिर सोलर पावर, उसके बाद आपकी बायोमास। एक हायरार्की करनी है, मतलब सीक्वेंस करने का है मेनली, ये वाला पॉइंट होता है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा वाला टारगेट हम बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट सिर्फ 10,000 का था बायोमास में और वेस्ट टू पावर में, जबकि अब जो आपका टारगेट है ये ऑलरेडी अचीव्ड है, हम ऑलरेडी इस चीज को अचीव कर चुके हैं, ठीक है। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स का लगभग अजीव डी है, थोड़ा सा ही बचा है, ये हो ही जाएगा जी। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक और बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से 2030 तक, 2030 तक हमने कौन सा टारगेट रखा है, वो टोटल जैसे ये 175 गीगावाट है ना, तो कितना रखा है 450 गीगावाट का जो टारगेट रखा हुआ है वो है हमारा, ठीक है जी। सो चलिए, उसके अलावा मैं आपको पहले ही क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट की एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। चलिए, सो क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो टॉप डाउन है, जिसके अंदर सभी के सभी को अपना जो इमिशंस है वो डिसाइड करके बताया जाता था UNFCCC के द्वारा, जबकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो और इसके अंदर जो पार्टीज हैं वो आती है एनएक्स 1 के अंदर, वो होती है कौन सी, ऐसी पार्टीज जो कि डेवलप्ड नेशंस होते हैं, एनएक्स 1 एनएक्स 2 एक लिस्ट प्रोवाइड करता है कि किस तरीके के लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। सो एनएक्स 2 के अंदर डेवलप्ड नेशन ही आते हैं, जो एनएक्स 1 वाले होते हैं बस उसमें से कुछ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप जो डेवलपिंग नेशन है उनको भी हेल्प प्रोवाइड करें, ठीक है, यस, फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट करें, आप उनको समझाएंगे किस तरीके से टारगेट्स को अचीव करने हैं। देन हमारा इंडिया नॉन एनएक्स में आता है। नॉन एनएक्स में इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर हमने कुछ नहीं अचीव कर पाए, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी चाहिए तो इसलिए इमिशंस थोड़ी बहुत कर भी सकते हैं, तो ऐसा। और जो पेरिस अग्रीमेंट है वो बॉटम अप अग्रीमेंट है, जिसके अंदर जितनी भी कंट्रीज है वो अपने हिसाब से नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशंस डिसाइड कर सकते हैं। नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन के लिए चलो शुरू हो जाओ जल्दी से, इंडिया के नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं बताइए। एक तो वो कि हमें 450 गीगावाट 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। दूसरा 2.523 बिलियन टन कार्बन सिंक बनाना है ना, कार्बन सिंक बनाना है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। हम कार्बन सिंक सबसे अच्छा होता है ओशन, बट हम ओशन तो लगा नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे फिर, ठीक है, इसलिए। एंड देन उसके अलावा और कौन सा है कि 40%
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से हमें एनर्जी को यूज करना है, इसका मतलब रिन्यूएबल से करना है, ऐसा हो गया। एंड देन और क्या था इसके अंदर, हरी अप। हाँ, तो ये जो नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है ये 2020 से लेकर 2030 तक चल रहे हैं। ये हो गया आपका, तुम्हें याद ही रहता, आपके 3 पॉइंट्स हो गए हैं। उसके अलावा और कौन कौन सा है? अच्छा 30, और कौन सा है? 33-35% वाला टारगेट क्या था? हाँ जी, 33-35% जो टारगेट है वो आपको रिन्यूएबल, आपको इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज़ करनी है, रिन्यूएबल वाली, जीडीपी का पॉइंट से, यस, इमिशंस कम करनी है 33% to 35% तक, यानी कि 1/3 ही हो गया, 1/3 भी कह सकते हैं या फिर 33-35 भी कह सकते हैं। ये हमें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू आय उत्पाद, उसके इमिशन के हिसाब से इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये चीज था 2005 का बेस को लेकर। चलिए, सो अब आते हैं आगे। और इंडिया ने कुछ नैप्स के अंदर मिशन भी बना रखे हैं, जैसे कि सोलर मिशन। सोलर मिशन का टारगेट आपको बता दिया मैंने कि 2022 तक 100 गीगावाट, और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, प्रमोट करना है 2000 मेगावाट ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस। अच्छा, सो इसके अंदर एक होता है हमारा सोलर कौन सा, यूटिलिटी, और एक होता है हमारा रूफ टॉप, मतलब छत के ऊपर। यूटिलिटी मतलब जहाँ पे भी हमारी जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। सो आप मुझे अब कमेंट में ये बताओगे कि रूफ टॉप का 40% है या फिर यूटिलिटी वाले का 40% है, क्योंकि एक का 40%, क्योंकि हम जब 40 गीगावाट, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 100 गीगावाट, तो 100 गीगावाट में वैसे भी 40 गीगावाट और 60 गीगावाट को बाइफरगेट किया गया है, ठीक है। और इसमें से अब रूफ वाला कौन सा है और यूटिलिटी वाला कौन सा है, ये आपने बताना है कमेंट में। इज दिस क्लियर? मैं इसका वेट कर रही हूं जी। और इसके अलावा नेशनल मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन, इसको जिम भी बोल देते हैं, ग्रीन इंडिया मिशन है ये। एंड वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन है, जो कि वाटर को एफिशिएंटली यूज करना है, वाटर को हार्वेस्ट करना है, ग्रीन के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं, एग्रीकल्चर को अच्छा बनाना है, ये सब। सो फ्रेंड्स, ओके गुड। हाइड्रो पावर प्लांट के जो कैटेगरीज है, हाइड्रो पावर प्लांट होता क्या है? हाइड्रो पावर प्लांट होता है जब हम यहाँ पर बांध बना देते हैं, डैम बना देते हैं, इधर इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर एक तरीके से जनरेटर में पानी जो है वो गोल गोल घूमता है, यानी कि ये पानी का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से पानी से आप उससे जो ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे हम बिजली बना पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना पाते हैं, ठीक है। सो इसमें हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है हमारे इंडिया में, इसमें से स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स, मतलब कि इधर से लेकर यहाँ तक के, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आते हैं। जबकि हम लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं, इनको अलग से काउंट किया जाता है, इनको रिन्यूएबल में काउंट नहीं किया जाता। छोटे वाले पावर प्लांट्स बड़े वाले पावर प्लांट्स को कई बारी रिसाइकल करके भी बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गए हमारे लिए, एंड ऑल्सो रिन्यूएबल के हिसाब से हम इनको रिन्यू भी कर पा रहे हैं। सो माइक्रो मिनी स्मॉल का ये नंबर्स पूछ लेता है कि कितने से कितनी इनकी कैपेसिटी रहती है। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो है 30 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटीज इनकी होती है। कन्वेंशनल होते हैं, पंप स्टोरेज वाले होते हैं, रन ऑफ रिवर वाले होते हैं, टाइडल वाले होते हैं। टाइडल एक्चुअली आपने विंड एनर्जी देखी है, विंड एनर्जी कौन सी होती है? जो हवा के रुख से वो गोल गोल चक्की घूमती है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। टाइडल जो होती है वही चीज़ पानी में उल्टी होती है, अपोजिट, ठीक है, वो पानी के अंदर गोल गोल घूमता है। सो इसके अंदर फॉर्मूला ये है कि विंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी से मेजर किया जाता है, आप एक बार जस्ट नज़र मार लो, ठीक है। सो एफिशिएंसी जो होती है हाइड्रो एनर्जी कन्वर्जन की, वो अभी रिसेंटली स्टडी में ये देखा गया कि अच्छे से अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर 80% मेनली जो पानी की कैपेसिटी है उसकी, वैसे जो पुराना वाला बना था उसका 60-65% ऐसा था, लेकिन नाउअडेज अगर हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर दें तो इनका जो कैपेसिटी है वो 80% तक जा सकती है।
80% तक जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको बताई। और स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो 30 मेगावाट से कम या मेनली 50 मेगावाट से कम ही आप उनकी कैपेसिटी होती है प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये वाले चीज मैंने डिस्कस कर ही ली आपके लिए। इंडिया लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट को रिन्यूएबल में नहीं काउंट करता, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में काउंट करता है, दिस वी डिस्कस्ड। सो नेक्स्ट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या कहता है? ये आया था मिलेनियम्स यानी कि 2000 में, और कब तक चला? 2015 ईयर्स की जर्नी थी। और इसके अंदर बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स सब जुड़े थे। तो इसके अंदर टोटल 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को याद करने की मैंने ट्रिक यहाँ पे रखी हुई है। सो पॉवर्टी एंड हंगर, एजुकेशन, जेंडर, चाइल्ड मोर्टैलिटी, मैटरनल हेल्थ, डिसीज से बचना, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बनाना और ग्लोबल पार्टनरशिप करना डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए हमारी ट्रिक क्या है? पहला हमारा यानी कि पॉवर्टी हंगर, इंजीनियर गोविंद चौधरी, इसका मतलब कि एजुकेशन, जेंडर, चाइल्ड मोर्टैलिटी, हमारे यानी कि मैटरनल हेल्थ, उसके बाद देश यानी कि डिसीज, इक्विपमेंट यानी कि इन्वायरमेंट, एंड देन प्रोवाइड किए यानी कि पार्टनरशिप। तो ऐसा करके इस ट्रिक को आप गो थ्रू कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पेपर की ये क्या लिखा है? अरे इतनी शुद्ध हिंदी, अच्छा चलो इधर आते हैं। अब आते हैं हम गोल वन। गोल वन में ये कहा है कि जो आपके पॉवर्टी और हंगर है इसको हाफ कम करना है, ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद गोल टू में ये कहा है कि जो बच्चों का गोल टू कौन सा था आपका? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन सभी को प्रोवाइड करना है फुल, एंड देन जेंडर डिस्पैरिटी को बिल्कुल एलिमिनेट करना है, एंड देन रिड्यूस करना है 2/3 से बच्चों की मोर्टैलिटी रेट, 3/4 से, 3/4 से मैटरनल मतलब मदर की मोर्टैलिटी रेट, ठीक है। और बाकी सब मेनली आधा आधा कह दिया है जी, हाफ हेटेड यानी कि आधा आधा करने को कह रहे हैं। हाँ, जो भी इशू है क्या कह रहे हैं ये? फर्स्ट पेपर की सॉल्यूशन बुक मिल गई है, अच्छा तो बताइए इसकी हिंदी कैसे मिली? ठीक है, वो सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से। वो ईमेल कर दो मेरे को, मिल जाएगी, ठीक है। बुक के अंदर सोशल मीडिया हैंडल लिखा है ना, उसके अंदर उस वाली ईमेल आईडी पे मेरे को ईमेल कर दो बुक की फोटो के साथ, मैं दे दूंगी। कुडोज़ लर्निंग ऐप में अकाउंट बना लो। हाँ जी, और बाकी सब तो मेनली हाफ हाफ करने को ही कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। सो पीडीएफ, भाई पीडीएफ की चिंता ना करा करो, रात को 10 बजे वाली क्लास के साथ इंटीग्रेट हो जाएगी और कल मिल जाएगी, जैसे आज मैंने कल वाली पीडीएफ दे दी है ना टेलीग्राम में, तो वैसे। अब देखेंगे यहां पर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बारे में समझते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली 2015 तक चले, 2000 से लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 के एंड में और 2016 के स्टार्टिंग में बेसिकली बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर आना है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, हाँ जी, एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि इसको लागू करने का जो ईयर है वो 2020 से 2030 डिसाइड हुआ, जो कि अब चल रहा है, ये बात समझे? हाँ जी। सो इसके अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, और इसका मेन गोल जो मेन थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो इसके अंदर टोटल 17 गोल्स आते हैं, और मैंने 17 गोल्स को याद करने की ट्रिक बना रखी है, तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंग्लिश मीडियम ओनली, देन ये इंग्लिश में भी बनाई हुई है, ठीक है। पुअर, हैव नो फूड, हेल्थ इज बैड, डज नॉट फील लाइक रीडिंग, तो इस तरीके से आप यहां से भी कर सकते हैं। चलिए, सो गरीब है तो पॉवर्टी को एंड किया जाए, के पास खाना नहीं है तो भूख लगी है, ठीक है। साथ साथ टाइप करेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए और आपको भी ट्रिक याद हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे सिक्वेंस में पूछता है 6 नंबर वाला बताओ, 10th नंबर वाला बताओ, इसको अरेंज करो, इसलिए सिक्वेंस में करने के लिए ये ट्रिक बनाई है, समझे। हेल्थ खराब है, इंश्योर हेल्दी लाइफ, पढ़ने का मन नहीं करता तो एजुकेशन के लिए आपको इक्विटेबल देनी चाहिए एजुकेशन, भाई बहन यानी कि जेंडर इक्वालिटी चाहिए अगर उनमें भेदभाव है तो। पानी पी के गुजारा करता है स्टार्टिंग में,
तो वहां पे क्या आ जाएगा फिर, अवेलेबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन. तो फिर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है. एंड देन काम करने का सोचा तो एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क मिलना चाहिए. इंडस्ट्री लगा दी तो सस्टेनेबल डेवलप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर करना है उसकी इनोवेशन को. पैसे आ गए तो एक बार इनइक्वालिटी दूर हो गई तो रिड्यूस करना है इनइक्वालिटी. इंडस्ट्री में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाना है तो सिटीज ह्यूमन सस्टेनेबल इंक्लूसिव सेफ रेजिलियंस सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. देन सब ध्यान से कंज्यूम करना पड़ेगा सस्टेनेबल कंजम्पशन. क्लाइमेट के लिए अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज. पानी के नीचे यूज करना है ओशियन सीज मराइन, धरती के ऊपर टेरेसियल इकोसिस्टम. टेरेसियल होता है अर्थ के ऊपर, ठीक है. यस, शांति लानी है, प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज. सबके साथ मिलकर चलना है, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप. ग्लोबल पार्टनरशिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आईसीटी एंड ऑल का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है. सो इसी तरीके से आप इंग्लिश वाली भी देख सकते हैं. एट गवर्नमेंट मिशन में क्या आता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नैप्स. सो इसके अंदर भी आपके 8 मिशन अभी तक लॉन्च हुए हैं और इसकी हमने ट्रिक करी हुई है सहवाग इज हाई क्लास प्लेयर. तो ऐसे से आ गया सोलर, ई से आ गया एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है. और देन नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट हो गया. फिर व से आ गया वाटर, वाटर के बाद ग्रीन इंडिया और एग्रीकल्चर, ठीक है. वाग जो ए और जी है उसका उल्टा हो गया, जी और ए हो गया. एंड देन सेवेंथ है हिमालय इकोसिस्टम को सस्टेन करना है. हाई क्लास, हाई क्लास यानी कि क्लाइमेट चेंज को भी बारे में भी हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज लेनी है. यस, तो हो गया सबको याद. देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने सबके ट्रिक करा दी है. देन हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, आज तो बहुत बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो तुम. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में क्या आता है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि अपनी स्टेट में जैसे निकलते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं और ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, इसका मतलब ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होते और ये साइनर्जी नहीं करते, इसका मतलब ये जो है एकदम से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते. साइनर्जिज्म का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पोल्यूटेंट आपस में मिल जाए तो फिर उनका जो रिएक्शन होता है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है. एंटागोनिज्म का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पोल्यूटेंट मिल जाए तो उनका रिएक्शन पहले से कम होता है, ठीक है. तो इसलिए ये जो है इतना इश्यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल दीज आर पॉल्यूटेंट, तो पोल्यूशन तो फैलाते हैं, ठीक है. तो कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर. हाँ, सो इस बारी एक तरीके का बिटुमेन पूछा गया था जो कि क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर ही होता है, इस वजह से वो भी प्राइमरी में आ जाएगा, कॉल पर्टिकुलर मैटर होता है. देन फिर आता है कार्बन मोनोक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं. इनका मेन सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल होते हैं ईंधन जिससे बनता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ऑयल, ठीक है. तो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, वुड ट्रैश, इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं इनको इसलिए. सो ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा सोर्स भी है. सो इसका जो सोर्स है कार्बन मोनोक्साइड का, इसका सबसे ज्यादा वाला सोर्स तो 80% सोर्स ऑटोमोबाइल है. ऑटोमोबाइल होता है व्हीकल्स, गाड़ियां, ठीक है. और अगर आप देखोगे तो एक पर्सन की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है कार्बन मोनोक्साइड की वजह से. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब चला जाता है इस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है हमें और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, लेकिन जब कार्बन मोनोक्साइड एंटर करता है तो इसमें ओ की कमी है, सी ओ होता है इसका फॉर्मूला. और ये हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है. सो सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स है फॉसिल फ्यूल. तो फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल वगैरह ये सब इसको डिस्कस कर सकते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट में पानी के साथ मिल जाता है, H2O के साथ मिल जाता है, यस, तो फिर क्या करता है, एसिड रेन. फिर एसिड रेन भी होती है, यस. सो ये रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ. और एक्चुअली सल्फर डाइऑक्साइड जो है इससे सांस में बड़ी दिक्कत आती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है इस गैस से, सल्फर से. जब इनहेल कर लिया जाए तो फिर लंग टिश्यूज को बहुत ज्यादा गला देता है ये, ठीक है. और एक्चुअली इसकी वजह से स्मोक भी आया था, बैन कर दिया गया था सी कॉल, और किलर फॉग भी आ गया था लंदन में. ये एग्जाम्पल्स हैं.
और काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने की वजह से होता है। अगर हमें एसिड रेन को रोकना है तो फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से रोकना होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल अगेन आपको बता दिया, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, डीजल, वुड ट्रैश वगैरह, ये सब जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन में और स्मोग में भी कंट्रीब्यूट करता है। ऑटोमोबाइल भी इसके मेन सोर्स है, फॉसिल फ्यूल भी इसके मेन सोर्स है, सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल। ये भी ये नाइट्रोजन ऑक्साइड भी एसिड रेन करता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के मिला के, फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग फ्यूल सप्लाई से होते हैं। मेजर सोर्स ऑटोमोबाइल है इसका हाइड्रोकार्बन का, एक्चुअली हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलाकर बनता है ये। और अगर हम देखें हमारे जो व्हीकल्स हैं इससे इमिशन होती है, अगर ये पूरे के पूरे तरीके से ईंधन हमारा जो इमिशन हो रही है वो चीज़ जल जाए, फ्यूल जल जाए, बर्न हो जाए, फुल कंबशन हो जाए, ठीक है, तो ये बिल्कुल साफ है, अच्छा सोर्स है, गुड सोर्स है। बट जब इसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है तब ये बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है, इस वजह से कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट बर्निंग, जलना। देन इसकी वजह से स्मॉग में भी इफेक्ट आता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए इंजन का डिजाइन को अपडेट करना चाहिए। हाँ जी, पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं पीएम, ये छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है, मिट्टी के कण होते हैं उसको बोलते हैं, हाफ फॉर्म में सेंटर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसके अंदर पीएम जो होता है इसका डायामीटर बताता है, पीएम 1, पीएम 2.5, पीएम 10। डायामीटर का मतलब ये माइक्रोमीटर बताता है, बहुत ही बारीक होता है। हम पीएम 1 को तो बिल्कुल भी नेकेड आई से ऐसा देख नहीं सकते। ठीक है, और जो पीएम 2.5 भी होता है, जो हमारे बाल होते हैं इसका भी एक तिहाई हिस्सा, इससे भी बहुत बारीक होता है। ठीक है, एंड देन पीएम 10 को फिर भी देखा जा सकता है। तो पीएम 1 जो है वो हमारे बिल्कुल एल्वोली, बहुत अंदर तक चला जाता है, बहुत अंदर तक चला जाता है। अब जब हम पीएम 2.5 की बात करें तो वो गले के ये ट्राकिया होता है ना, यहाँ तक फंस जाता है। एंड देन पीएम 10 जो होता है वो सिर्फ नोज तक रह जाता है। तो हम पीएम 10 को इजीली अपने नोज से क्लीन कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट का मेन टारगेट पीएम 1 नहीं है अभी, क्योंकि इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। पहले पीएम 10 और 2.5 से तो बच रहे हम, तो इसलिए ज़्यादातर जो आप देखते हैं वहाँ पे हमारा पीएम 2.5 या 10 होता है टारगेट्स में। आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस कभी आपने पंखा साफ किया होगा तो उसमें से भी जाले निकलते हैं, ये ब्रेक्स होती है, ब्रेक के अंदर भी ये निकल रहा है वाइट वाइट सा, तो इनको भी पीएम कहते हैं, इनको भी पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ठीक है, बहुत बारीक बारीक सी डस्ट होती है जो उसके साथ लटक रही होती है। देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आ जाते हैं ऐसे पोल्यूटेंट जो दो या दो से ज्यादा जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और फिर वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, जैसे कि ओजोन, पैन, फोटोकेमिकल, एरोसोल, मिस्ट एंड ऑल। ओजोन हाईली रिएक्टिव गैस है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटॉम्स होते हैं। ठीक है, ओजोन सरफेस ओजोन भी होती है और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी होती है। अभी यहाँ पर हम सरफेस ओजोन यानी कि धरती के पास वाले ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात करेंगे, क्योंकि ये पोल्यूटेंट में आती है, और स्ट्रेटोस्फेरिक जो है वो हमारे लिए अच्छी है, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, ये ज़्यादा टॉक्सिक भी है। ठीक है, सो जब हम देखेंगे ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो ये VOC क्या चीज़ है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं। VOC मेनली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिला के बनता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को मिला के बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, क्लोराइन, ब्रोमाइन, सल्फर, नाइट्रोजन, सो इन सब को मिला के बनता है। तो ये सारा हो गया VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिलती है और सनलाइट के प्रेजेंस में फिर ओजोन बनती है। ठीक है, हाँ जी, एंड दिस इज डेंजरस फॉर अस, और ये अच्छी नहीं है। ओजोन डे में तुम्हारा बर्थडे होता है, अच्छा वो वाला ओजोन डे, दूसरा स्ट्रेटोस्फेरिक वाला, वो अच्छा वाला होता है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं हम। नाउ वी डिस्कस अबाउट पैन। पैन क्या होता है, पैरोक्सी एस्टाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये किस किस से बनता है, ये भी एक तरीके का स्मोग है, काला धुआं ही है। ठीक है, यस, सो ये कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस से तो तब बनता है। फोटोकेमिकल स्मोग और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, यस, सो कैसे हो जाता है,
यहाँ पर अभी तक जितने पढ़े सारों का मिक्सर है एक तरीके से, पर्टिकुलेट मैटर आ गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, एल्डिहाइड, पैरोक्सी एस्टाइल नाइट्रेट यानी कि पैन, अनरिएक्टेड हाइड्रोकार्बन, मतलब बहुत सारे ये जो पोल्यूटेंट है ये सब एक साथ मिल गए कि इसमें फोटो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये इफेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलेंगे। और फ्रेंड्स जो इन्वायरमेंट में प्राइमरी पोल्यूशन होता है वो बेसिकली किस किस की वजह से सबसे ज्यादा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन मोनोक्साइड की वजह से सबसे ज्यादा होता है अगर हम अर्बन इन्वायरमेंट की बात करें तो, और इसके अलावा उसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी हायरार्की पेपर में पूछी थी इस बार ही, फिर उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद VOC और फिर पार्टिकुलेट मैटर। अगर हम बात करें कि ये वाला जो कार्बन मोनोक्साइड है इसका सबसे बड़ा सोर्स कौन है, कार्बन मोनोक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से फ्यूल कंबशन है, समझ आ रहे हैं ना, ये इसका सबसे बड़ा सोर्स है, वो उसका सबसे बड़ा सोर्स है, ऐसा करके इस डाटा को देख लेंगे। ठीक है, रात को 10 बजे वाली क्लास में आ जाएगी इसकी PDF, तो तब भी देख लेना। फोटोकेमिकल स्मोग इज ऑल्सो नोन एज लॉस एंजलिस स्मोग, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी तबाही बची थी इसी वजह से। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड आर प्राइमरी इमिशंस, और ये तो देखो इसके अंदर मेनली अर्बन एरियाज में आता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनकी वजह से आता है, ऑटोमोबाइल समझ आई ना। हाँ जी, अच्छा फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, सनलाइट, हाइड्रोकार्बन्स को मिला के क्या बनता है, ये हमने डिस्कस भी किया था, हाइड्रोकार्बन्स नहीं तो हम VOC इसकी जगह भी लिख देते हैं, ओजोन बनता है, ओजोन इज स्ट्रेटोस्फेरिक बेनिफिशियल है। अच्छा ये स्ट्रेटोस्फेरिक के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ये भी क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन किसकी वजह से हो रही है डिप्लीट, तो एक्चुअली उधर आपके ये वाले सिक्वेंस आ जाएगा। कार्सिनोजेंस कौन होते हैं, कार्सिनोजन ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से कैंसर बन सकता है, ये मैं आगे डिटेल में आज ही क्लास में करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, फोग होता है नॉर्मल धुआं, वाटर वेपर जो निकलता है उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपका होता है स्मोग, स्मोग होता है काला धुआं, तो ये कैसे बनता है, स्मोक और फोग इन दोनों के मिक्सचर की वजह से बनता है, इसका मतलब ये फॉर्म होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन से, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी केमिकल आपस में मिल जाते हैं, पॉल्यूटेंट मिल जाते हैं, एग्जांपल हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पैन, ये फर्मल हाइड्रेट की फुल शॉर्ट फॉर्म है फर्मल हाइड्रेट HCHO, सो ये सब जब मिल जाते हैं तब फोटोकेमिकल स्मोक, मेनली स्मोक बनता है। एसिड रेन कब होती है, एसिड रेन होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तब एसिड रेन आती है, और एसिडिक ये भी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पेपर की वजह से कि न्यूट्रल पीएच लेवल क्या होता है, न्यूट्रल पानी का नॉर्मल जो हमें पीना चाहिए वो वाले पानी का पीएच लेवल होता है 7, अगर मुझे एसिटिक जैसे नींबू हो गया या फिर कोई एसिड हो गया तो उनका पीएच लेवल 7 से कम होता है, जो एल्कलीन होता है उसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है। AQI नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया था इंडिया में 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, सिंपल सी बात है, सही कह रहे हो अनिल भी कि पेपर कैसे आएगा, इससे ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे दो, मैंने कहा अगर पेपर इजी आएगा तो तुम मजे में छोड़ दो पढ़ाई, एक महीना मस्ती करो पेपर तो इजी आएगा, वहां जाके क्या मिल जाएगा तुम्हें, जीरो अंडा फिर भी, इसलिए इस बात पे ध्यान ना देके कि पेपर में कैसा आएगा कैसा नहीं, अच्छे से मेहनत करो, जब खुद 100% दे दिया होगा, खुद सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, सारे महा एपिसोड देखे होंगे, कॉन्फिडेंस होगा तो पेपर अच्छा ही होगा ना फिर, जो भी हो, ठीक है, सो अपना बेस्ट देने पे ध्यान दो। ये क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला गया था और CPCB की वेबसाइट पे ये मेनली दिखाया जाता है नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंदर। सो ये बेसिकली हमने कंसेप्ट लिया है US से। हाँ जी, सो जीरो में क्या, US में क्या होता है, US से लिया है, वहां से हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स लिया है, तो अब हमने फिर इंडिया का नेशनल निकाल दिया। तो ओजोन इसमें बेसिकली 6 कैटेगरीज हैं, ठीक है, 6 कैटेगरीज, नहीं मैं तो बहुत डांटूंगी, मैं तो काम है डांटना, मत पूछो क्वेश्चन। अच्छा इधर आते हैं, 6 कैटेगरीज हैं इसमें, बस इतने ध्यान रखना है, 6 कैटेगरी हो गई, और उसके अलावा 8 पोल्यूटेंट्स हैं, सो दीज आर 8 पोल्यूटेंट्स,
पेपर जो है वो बेसिकली इन 8 पोल्यूटेंट से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, अमोनिया, पर्टिकुलेट मैटर। देखो मैंने कहा था ना पर्टिकुलेट मैटर 10 और 2.5 वाले रखे हुए इन्होंने, ठीक है, तो ये वाले ज्यादा ये कंसिडर करते हैं। इज इट क्लियर? ओजोन, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन, अच्छा तुम लिख रहे हो, मुझे लगा पूछ रहे हो। सो इस चीज को ध्यान रखना। अब मुझे बताओ इसमें क्या सीएफसी है? सीएफसी नो नो नो, कार्बन डाइऑक्साइड है, नो नो, आपका कार्बन मोनोक्साइड है, अंडरस्टूड? अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। हाँ जी, तो वाटर पोल्यूशन क्या कहता है? हाँ, सो वाटर पोल्यूशन में सरफेस वाटर पोल्यूशन होता है ऐसा जो कि धरती के ऊपर हमें दिखाई देता है तैरता हुआ, एंड ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है इसकी वजह से। ऑक्सीजन क्यों डिप्लीट हो जाती है? पानी में अगर इतना पोल्यूशन होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना, बैड बैक्टीरिया ही आएगा ना वहां पर, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा होते हैं, मिनरल ज्यादा, बच्चे पूछते हैं मैम न्यूट्रिशन तो अच्छा होता है, खा लो, फिर ओवर खाओगे तो पता चल जाएगा कितना अच्छा होता है। ऐसे ही कहीं पे भी किसी भी चीज की अति खराब है, अगर आप कहते हो मैम पानी अच्छा है, तो मैं कहती हूँ कि आप 100 ग्लास पानी पीना एक दिन में, ठीक है, मजा आ जाएगा फिर, तो फिर वैसा ही मजा यहाँ पे आता है। तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल जब ज्यादा हो जाते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स उगने लग जाते हैं, ठीक है। सो फिर उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर दूषित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑयल स्पिलेज हो जाता है, मतलब कि ये जो आप हमारी अर्थ के अंदर क्या लगा रखे हैं, खड्डे खोद के पेट्रोलियम पाइप्स बिछी हुई हैं, इनमें कहीं लीकेज हो जाए तो ये भी ग्राउंड वाटर को दूषित करता है। माइक्रोबियल बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल बिकॉज ऑफ बैड बैक्टीरियाज एंड ऑल होता है। हाँ जी, हाँ जी, सीवेज में भी बहुत होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड देन सस्पेंडेड मैटर, मतलब अगर हम इसको नॉर्मली बात करें तो उसको पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, जब पानी के अंदर बात करें तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर आ जाता है। पीएम ही है, मिट्टी के कण ही है ये, एंड केमिकल्स भी फ्लूट करते हैं, इस वजह से भी हमारा पानी दूषित होता है। सो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, सीवर वाला पानी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंडिया में पानी दूषित सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ सीवेज की वजह से ही हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ पैथोजेंस की, पैथोजन क्या होता है? हाँ जी, कॉमर्स की क्लास चल रही है, बिल्कुल रात को 8 बजे चलती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, पेपर 1 महा एपिसोड, पेपर 2 कॉमर्स की महा एपिसोड, ठीक है, तो महा एपिसोड की वीडियो देखो, ऑलरेडी वहां पे भी 4 यूनिट्स हो चुकी है हमारी। पैथोजेंस में क्या क्या आता है? पैथोजन कोई भी ऐसा एजेंट जिससे डिसीज पैदा हो रही है उसको पैथोजन बोलते हैं, जैसे कि वायरस पैदा करने वाले, जैसे कि कोरोना वायरस भी इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से छोटे छोटे वन सेल होते हैं, वन सेल वाले क्रिएशंस होते हैं, इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस, ई कोली, ठीक है, और ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है, अल्सर्स हो जाते हैं, फंगी, फंगस तो तुम्हें पता ही है ये किसकी वजह से होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से हो जाता है, रिंगवॉर्म जैसे, ये मल्टी सेल्ड प्लांट होते हैं, फंगी होते हैं मल्टी सेल्ड प्लांट, और बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल प्लांट्स, प्रोटोजोआ वन सेल प्लांट, सिंगल सेल प्लांट, इससे भी गार्डेरियाज होता है, ये भी आया था, मलेरिया होता है, ये सब पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स भी कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन, प्रोटीन भी एक्सेस होने से भी दिक्कत है, प्रोटीन भी इतना नहीं चाहिए हमें, समझे। सरफेस में आप देख सकते हो कि इधर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पेपर 1 की क्लास है भाई, तो ये क्या हो गया, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इधर ऑयल स्पिलेज हुआ है, मतलब पानी के ऊपर क्या आया है, ऑयल आ चुका है, तो सरफेस पे दिखाई दे रहा है, तो सरफेस वाटर पोल्यूशन हो गया। ये देखो किसको पालक पनीर खाना है, पालक पनीर नहीं है, न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट। तो न्यूट्रिएंट पोल्यूटेंट में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन ज्यादा हो चुका है, मिनरल ज्यादा हो चुका है, इसकी वजह से अनचाहे पेड़ पौधों को बोलते हैं अनवांटेड वीड, वीड मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे आ चुके हैं, ये काई जम गई है, एक्चुअली काई ही है ये, एल्गी, वीड ऑक्सीजन को यूज करते हैं पानी के अंदर और उसके सराउंडिंग को हर्ट कर देते हैं। थर्मल पॉल्यूशन बेसिकली ये क्या करता है, ये ऐसा पॉल्यूशन है जो कि पानी की स्थिति को ही बदल देता है, हाँ उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। हमने नहीं कहा, आपने कहा, हाँ तो मैं ही बोल रही थी देर से, और तुम कैसे बोल सकते हो, तुम्हारी आवाज भी नहीं आनी। थर्मल पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन के अंदर
वाटर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में बदल जाता है और ये सबसे ज्यादा पानी को यूज कर लेता है, ठीक है। वो डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजन ऑर्गेनिजम्स इन कंटेन्ड कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। सो जो पैथोजन होते हैं इनकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जैसे कि वायरस वगैरह, वो कौन कौन सी होती है? वायरस की वजह से जॉन्डिस, येलो फीवर, पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस लीवर एंड स्मॉल पॉक्स एंड ऑल। बैक्टीरिया की वजह से डायरिया होता है, लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है, पैरा टाइफाइड हो जाता है, हाई फीवर हो जाता है, एंड देन प्रोटोजोआ की वजह से ये सब बीमारियाँ होती है, देन सेंड्री एंड ऑल, ये गाइडियासिस भी आया था इस बारी, मलेरिया। सो फ्रेंड्स, जब हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में पोल्यूशन डिस्टर्ब करता है नेचुरल फूड चेन एज वेल एज पोल्यूटेंट सच एज कैडमियम। एक्चुअली होता क्या है ना, इसको समझाते हैं, सिंपल सी बात है, ये प्लांट्स को खा रही है छोटे छोटे और उसके बाद ये खा रही है, ये खा रहे हैं, जब इसको बीमारी इसकी फैल जाएगी तो इसके पास जाएगी, ठीक है, तभी इसके नोजी का ये हाल है। तो बेसिकली फूड चेन ही खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि एक छोटे से पूरे में फैल जाती है वो। देन हम बात करेंगे अर्सेनिक की। जो अर्सेनिक होता है ना, अर्सेनिक बेसिकली पानी का पोल्यूटेंट है, जो कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वाली स्टेट्स हो गई, राजस्थान, गुजरात हो गया, ठीक है, ये वाले सारे एरियाज में नेचुरली पाया जाता है। अर्सेनिक एक तरीके का मेटल है, ये ठोस फॉर्म में होता है, जब ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है तो ये एक तरीके से उसमें घुल जाता है। तो उसकी वजह से जो इनके हाथ है अंकल जी के, देखो कितने बुरा हाल है। आपने वो वाले देखे होंगे जो बैगर्स होते हैं या फिर जो ट्रेन में जा रहे होते हैं या फिर जो ज्यादा खेती करते हैं इन एरियाज में, इनके हाथ के ऊपर मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, उबड़ खाबड़ से नेल होते हैं इनके, ठीक है। तो वो भी सारा अर्सेनिक की वजह से होता है, समझे। हाँ, सो अर्सेनिक मेनली ब्राउन राइस में पाया जाता है क्योंकि वहां का नेचुरल वाटर में नेचुरली है ये, यस। सो एक्चुअली अगर इसको टेस्ट करना है तो फिर हाँ, टेलीग्राम पे नवक्लासेस सर्च करके फॉलो कर लो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें उसे नेचुरली मिक्स नेचुरली होता है, हाँ, इसको मैंने कहा था टेस्ट करना है तो क्या होगा, अगर हमें अर्सेनिक को टेस्ट करना है तो फिर स्किन का उखाड़ के सैंपल लेना पड़ता है, समझे। ये भी पेपर में हुआ, क्वेश्चन आया हुआ, ब्लड सैंपल लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, स्किन सैंपल लेते हैं, तो भाई इतने आशीर्वाद मत दो। अच्छा, फिर आते हैं यहाँ पे डेंजर ऑफ लेड एंड अर्सेनिक पॉइजनिंग। लेड आपको पता है कि जैसे मैगी में भी आया था बहुत है, तो पहले अर्सेनिक को समझ लेते हैं। अर्सेनिक से नर्व डैमेज हो जाती है, स्किन डैमेज हो जाता है, हाइपर कैराटोसिस हो जाता है, मतलब कि जो स्किन है वो उखड़ने लग जाती है, ठीक है, पिगमेंटेशन में चेंजेस आने लग जाते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, लंग्स, ब्लैडर, किडनी, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स होती है स्किन के अंदर, तो ये सारी दिक्कत होती है। हाँ जी, हाँ, इस बार ये 100% आया पोल में, देख लो। देन लेड पॉइजनिंग में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ लेड मेंटल तौर पे हमें कमजोर कर देता है, भूलने की बीमारी आ जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, कोमा में कोई पर्सन जा सकता है, कन्वर्जन एंड डेथ तक हो सकती है अगर ज्यादा लेड हमें आया तो, मतलब हम इस लेड के उसमें रहे तो। इसकी वजह से कोई पर्सन है उसके मूड स्विंग्स भी बहुत हो जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है, तो ऑफकोर्स उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लेड की वजह से, और ये सब मेटल ही है एक तरीके के। सो लो लेवल ऑफ लेड, अगर हमें लेड थोड़ा बहुत ही नुकसान कर रहा है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर हमारा जो IQ है वो लो हो जाता है, मतलब भूल जाते हैं, भुलक्कड़ हो जाते हैं। कौन कौन ऐसा है जो भूल रहा है पेपर आने से पहले, भूलते हो, बहुत भूलते हो, तुमने मैगी बहुत खाई है, कौन कौन है जिसको याद नहीं रहता तुमने मैगी बहुत खाई है। अच्छा, सो फिर हेल्थ बिहेवियर इफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सब इश्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में, ठीक है। हाँ जी मैम, यूट्यूब पर भी पोल आने लग गया, बिल्कुल, नव क्लासेस में तो डेली आ रहा है, जो बच्चा लाइव आता है वो पोल लेता है, ठीक है, मेरे चैनल को बहुत देर से पहले से मिल चुका है। सो नव लर्नर के साथ हाई फाई, अब इधर आओ चुपचाप, बहुत मस्ती करने लग गए हो,
एंड ये जो ओजोन होल हो रहा है, एक्चुअली हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की बात करेंगे, तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन अच्छी है हमारे लिए, इसमें होल क्यों हो रहा है? बाय बोल तो रही है बट मैगी नहीं खाती हूँ, झूठ बोल जो तुम मोमोज खाती होगी फिर। अब एज विंटर अराइव, जैसे जैसे विंटर आते हैं वैसे वैसे हवाएं यहाँ पर डेवलप होने लग जाती है एंटार्क्टिक रीजन में, और एक्चुअली इसका नेचुरली भी वहाँ का जो स्थिति ऐसी है, व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप बिलो, यहाँ पे बल्कि ठंड रहती है 78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, और यहाँ पे जो आइस के बादल बनने लग जाते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेटोस्फेरिक पोलर आइस क्लाउड भी बोलते हैं, तो ऐसे वाले बादल बनने लग जाते हैं नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर की वजह से, और जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ पर, आइस के क्रिस्टल्स जो हैं जैसे ही फिर थोड़ा बहुत बनना तापमान नॉर्मल होने लगेगा तो वो आइस के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इनफ नॉट रिसीविंग इंस, अच्छा सो वो क्या होते हैं, वो जब ये जो बर्फ है ये नॉर्मलाइज होने लग जाएगी तो फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और फिर वो जाएगी एटमॉस्फेयर में और ओजोन में होल करेगी, तो नेचुरल इवेंट वहाँ पर होते रहते हैं, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी का फटना, ठीक है, इसके सोर्सेज मैन मेड भी हैं, जैसे कि CFC का रिलीज होना ओजोन लेवल पे, तो ये इफेक्ट करता है। हाँ जी, कुछ नहीं खाती तभी तो बोल रही है आयशी, अच्छा चलो इधर दो मैम, सब खाना मत बंद कराओ। लिसन, अब इसके एजेंट कौन कौन से क्या क्या सोर्सेज हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा स्किनिंग प्रोडक्ट्स हो गए, स्लेंटाइजेशंस, और उसके अलावा रेफ्रिजरेंट, एयर कंडीशनिंग, फोम इंडस्ट्री, तो जब ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि जिसकी वजह से झाग बनती है, फोम बनती है, सॉल्वेंट क्लीनिंग, एरोसोल्स, एरोसोल क्या होते हैं, एरोसोल होते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो कि किसी पतली सी जगह से निकलते हैं, जैसे कि जो ज्वालामुखी आ रहा है तो यहाँ से जो रिलीज होगा उसकी वजह से भी सल्फर रिलीज होता है। आप डिओड्रेंट यूज करते हो तो फिस फिस वाला सारा जो याद आ गया क्लास में कराया हुआ था एरोसोल मिस्ट, तो छोटी सी नोजल, हाँ याद आ गया वर्ड, छोटी सी नोजल से जब निकलते हैं तो उनको एरोसोल्स बोलते हैं, सो ये हो गए, एरोसोल भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एक प्रक्रिया कैसे चलती है इसको समझते हैं, यहाँ पे ये है आपका ऊपर ओजोन लेयर, ठीक है, और हमारे यहाँ से निकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन लेयर में O3 है, और इसका ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये जो क्लोरो लिखा हुआ है, क्लोरो का निकलेगा क्लोराइन, और ये जो क्लोराइन है वो जाके इसको धक्का मारेगी और इसको ब्रेक कर देगी ओजोन को, फिर ब्रेक करने की वजह से जो O3 के 3 एटॉम्स है उस वो टूट जाएंगे और ये बना देगी क्लोराइन मोनोक्साइड खुद बना लेगी, यहाँ बन जाएगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बनने की वजह से ये वाली एरिया में ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती चली जा रही है, वो हम यूवी रेज से हमें नहीं बचा पा रही है, तो ये सारी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिप्लीट हो रही है। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप ज्यादातर देखोगे इन ऐसे सब्सटेंस जिनमें भी ये क्लोरो यूज हो रहा है, ब्रोमाइन यूज हो रहा है, हैलोन गैसेस इनको बोलते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरो, फॉर्म हैलोन गैसेज जैसे कि फायर एक्सटेंशन में भी पाई जाती है, कौन सी कहाँ में पाई जाती है वो है ये, सो इन सब की वजह से भी ओजोन डिप्लीट हो रही है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या क्या हाँ भाई डाइव है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली कवर करता है आपका ओजोन डिप्लीशन, और इसकी वजह से यूवी रेज जो हमारे आती है अटैक करती है उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है उसको बचाने की कोशिश, ऑल्सो इसी के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रिवेंट कर रहा है कैटरैक्ट की बीमारी से भी, कैटरैक्ट होता है, इसकी आंख तो मैंने सुंदर ही बनाई है, इससे मोतिया भी ना जाता है, ठीक है, सो इसकी वजह से उसको कैटरैक्ट बोलते हैं, ये रहा, इसको भी 2030 तक स्किन कैंसर और कैटरैक को कम करना है, वो भी ओजोन डिप्लीशन की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। अब इंडिया ने कुछ टारगेट्स बनाए हैं, नेशनली डिटरमिंड टारगेट्स, नेशनली टारगेट्स कूलिंग एक्शन प्लान के अंदर, तो कूलिंग एक्शन प्लान ICAP, इसके अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, 2017 में बनाए थे इसलिए सीधा 20 साल का बनाती है यहाँ पर, 2037-2038 तक अचीव करने हैं रिडक्शन इन कूलिंग डिमांड
अक्रॉस ऑल सेक्टर 20-25%। रेफ्रिजरेंट की डिमांड को कम करना है 25-30%। रिड्यूस करना है कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट 25-40%। ये आराम से देखना, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा अलग है, एनर्जी अलग है, डिमांड अलग है, रेफ्रिजरेंट अलग है, रेफ्रिजरेंट मतलब रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जो चीज होती है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, 100,000 पर्सन को स्किल डेवलप करवानी है 2022-23 तक। बाकी सबका 2037-38 का है, इसका 22-23 है टारगेट। अभी रिसेंटली 18 अगस्त 2021 को सेंटर ने अप्रूव किया इंडिया का रेटिफिकेशन किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, ताकि क्लाइमेट डैमेज जो हो रहा है इसकी वजह से उसको कम किया जा सके। तो अभी तक आप कर रहे थे, सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को कम करना है, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट आया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC का टारगेट आया। अब जाके 2021 में जो टारगेट है वो HFC का आया, ठीक है, कि हमें क्लाइमेट को डैमेज होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेंट जो हम यूज करते हैं वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये कितना करने की बात कर रहे हैं, दिस इज न्यू, हाँ क्यों न्यू ही होगा ना। अब मैं एक साल पीछे जाके 2000 अगस्त में जो अमेंडमेंट आने वाली है उसको मैं कैसे लिख सकती थी बताओ, ये न्यू है, जनरल अवेयरनेस है। सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2040 तक अंतर्यामी समझते हो मुझे, 2040 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करना है। और ये 197 कंट्रीज ने रवांडा में 2016 में डिस्कस किया था, ठीक है, 2017 में रवांडा में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद ये पेपर में रवांडा वाला क्वेश्चन तो 2016 का आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, उसका आंसर रवांडा था। अब देखते हैं, अंडर दिस कमिटमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंडिया कंप्लीट करेगा अपना फेस डाउन HFC के अंदर कितना, कि 10-10% का डिफरेंस है, ठीक है, 2032, 2037, 2042, अच्छा 10-10 का नहीं, 5-5 साल का डिफरेंस है, और फिर 47 इतना। सो ये वाला 10% है, 10, 20, 30 एंड फिर उसके बाद सीधा 80%, ठीक है। तो HFC को कम करना है, अभी तक समझ में आया, हाँ जी बताओ मैम, क्या आपकी बुक पेपर टू की हिंदी में भी आती है, पेपर टू की बुक जो है वो इंग्लिश मीडियम है, उसकी ई बुक मैं आपको हिंदी मीडियम प्रोवाइड करा दूंगी, वो ई बुक आपको मिल जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है तो ऑफकोर्स ये बेसिकली सच्ची में लिमिटेड स्टॉक बचा है, अब जस्ट उसका एंड होने वाला है स्टॉक का, तो अगर आप लेना चाहते हो तो श्योरली ले सकते हो पेपर वन और पेपर टू बोथ, ठीक है, हाँ जी। सो अगर आप टीचर बनोगे तो बच्चों को ये तो नहीं कहोगे कि मेरे को सिर्फ हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी वाले क्वेश्चन नहीं पूछना, हिंदी में ही मैंने बताना है, सॉरी इंग्लिश में बताना ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप दोनों को लेकर चलोगे तो आपका ही भला है, ठीक है। तो अगर आप जैसे बुक लेते हो तो आपको इसमें तो इंग्लिश मिलेगी, ई बुक हिंदी में मिल जाएगी, दोनों को मिला के पढ़ाई कर सकते हो। मैनेजमेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, अच्छा देखती हूँ अगली बार मैं खुद ही कोशिश करूंगी, अभी तो कॉमर्स का निकाला है मैंने, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान देते हैं, बट अभी आप अपने एंड पे कोशिश करें। अच्छा कुछ तो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों के NTA UGC नेट की वेबसाइट पे डाउनलोड का ऑप्शन है, वहां से डाउनलोड पे जाओगे तो फिर मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ तो ये जो UGC के 2020-21 के 20 के 18 से लेकर आए हुए हैं वो 2-3 साल तो मिल ही जाएंगे। फिर आते हैं नेशनल स्ट्रेटजीज फेस डाउन करना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, एज पर एप्लीकेबल फेस डाउन स्केड्यूल फॉर इंडिया विल बी डेवलप्ड आफ्टर रिक्वायर्ड कंसल्टेशन। इतना वैसे बहुत है, ये वाला टारगेट कर लो जो लेटेस्टली आया है, ठीक है, बाकी तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। फिर भी प्रिवेंट करना है इमिशन अप टू 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस गैसेस के इक्विवेलेंट, हेल्प करना है ताकि 0.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर राइज से कम हो सके 2100 की बात हो रही है, 2100 में ई बुक का अमाउंट। देखो अगर आप पेपरबैक ले लेते हो तो ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, बुक लेकर मेरे को ईमेल कर दें ऐसा, ठीक है, दो दो के पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। अगर आपको पेपरबैक लेनी नहीं है, आपको सिर्फ ई बुक लेनी है, तो कुडोज ई लर्निंग ऐप में जाके ले लें, वहां पे दिख जाएगा कितने की है। So, अब देखते हैं कॉगेन सिंड्रोम। कॉगेन सिंड्रोम को कॉगेन का सिंड्रोम भी कहा जा सकता है, और ये बेसिकली ऐसी कंडीशन है
जिसमें कॉर्नियल इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली वो होता है ना कैटरैक, और ये भी आ जाता है क्योंकि इसमें जो हमारी आँख का कॉर्निया होता है उसमें दिक्कत होने लग जाती है ये चीज, और अब बुखार आ जाता है, एग्जॉशन, वेट लॉस, ठीक है, ये सारी बीमारियां हो जाती है। ऐसा ही केराटिटिस होता है, ये भी इन्फ्लामेशन हमारे आँख के आँख की ही बीमारियां हैं ये, तो इसके लिए कुछ ओरल पढ़ लेना, ठीक है। सो ये सब चाहिए होते हैं आपको, ये स्टीरॉइड्स होते हैं, खैर ये कौन से हो गए, कॉर्टिको स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं हमें। वैसे मेनली आपको ये बताना चाहिए था कि ये आपकी आईज की बीमारियां है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर भी कवर हो जाती है। अब हम आते हैं पोल्यूशन ऑफ साउंड, साउंड पोल्यूशन क्या कहता है। हाँ जी, सो साउंड पोल्यूशन में लॉन्चिंग ऑफ स्पेस शटल की जैसे यहां समझते हैं साउंड पोल्यूशन को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। साउंड पोल्यूशन की वजह से और क्या होता है, 3 बुक्स मिल जाएंगी मैम एक साथ, हाँ तो ऑर्डर कर दो, देख लो मिल जाएगी तो अमेजोन पे सर्च कर लो तीनों, नवदीप एंटी बुक सर्च करना, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी पेपर 1 की, पेपर 2 की भी, पेपर 2 वाले में सी ऑल बाइंग ऑप्शन वाले पे क्लिक करके देख लेना। सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन बेसिकली इससे होता क्या है, इससे हमारी सोने में दिक्कत आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, सर में दर्द रहता है, ठीक है, ये सब, नींद नहीं पूरी होती, तो इसको मेजर कैसे किया जा सकता है, इसको माइक्रोपास्कल, ये जो आपका वर्ड है ना ये जो यूज किया गया है इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं पास्कल, तो माइक्रोपास्कल पास्कल में भी कर सकते हैं, इंटेंसिटी में भी कर सकते हैं, डीबी यानी कि डेसिबल्स में भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी मेजरिंग यूनिट्स है इसकी, पिको में भी कर लेते हैं ऐसा। तो अगर हम माइक्रो की बात करें तो ऐसा जो सबसे छोटा साउंड होता है जो हमारा कान सुन सकता है उसको 20 माइक्रो पास्कल बोलते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे इसमें जीरोएं बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो उसको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली यही है कि जो सबसे कम आवाज़ हमारा बोल सकता है और हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशन 20,000 होती है। अगर हम बात करें पास्कल की, ये ओनली पास्कल है, पास्कल में क्या होता है ना, हम 1, 2, 3, 4, 5 सो पास्कल में 6 जीरो से डिवाइड कर देते हैं माइक्रो पास्कल को, ये जैसे माइक्रो पास्कल है, माइक्रो पास्कल 20 है, ठीक है, तो इसको जब हम 6 जीरो से डिवाइड कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसा करके फिर माइक्रो पास्कल आ जाएगा। सो ये माइक्रो पास्कल आ गया। अब इसके अंदर भी जो आपका ऐसा आवाज जो हमारा कान सुन सकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं रेफरेंस साउंड, सो बेसिक सॉफ्टेस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वो, तो ये होता है 0.402 पास्कल, और ये अगर हमें डीबी में फाइंड करना है तो डीबी में ये 0 डीबी होता है, वहां पे 20 माइक्रो पास्कल था और इतना पास्कल है और ये इतना 0 डीबी है। नॉर्मल टॉक बात करने की जो आवाज होती है वो 60 डीबी होती है, ये चीज ध्यान रखें। अब एकदम ऐसे चीज जिससे हमारे कान फट सकते हैं वो 120 डीबी के ऊपर चली जाती है, तो ये हमारे मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। देन यूनिट इसको पिको वाट में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है, यूनिट इसके पिको वाट मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर क्वेश्चन में आया था, स्क्वायर मीटर भी पूछ लिया था उसमें, पिको वाट भी पूछ लिया था 2020 में। अब ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है, अगर इंटेंसिटी दी हुई हो नॉइज की, इंक्रीज हो रही है 2 फोल्ड से, तो फिर वो डेसिबल्स में कितने से इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड्स इसके मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो ये सीधा शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, बाकी डिटेल मैंने प्लस क्लास में बता रखा है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर उसने 2 फोल्ड पूछा है तो आप ये लॉगरिथम फंक्शन में होता है, तो लॉग 0.01310 हो गया, ये जितने भी लॉग है ना इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसकी पॉइंट हटा के एक यहाँ लगा देना तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या 3.010, तो 3 आ जाएगा डीबी में। अगर आपसे 4 पूछ रहा है तो 6.020 आ गया, तो ऐसा करके आपका हो जाएगा। सो नॉइज एंड साउंड वेटनिंग कर्व्स, सो जो नॉइज होती है उसको किस तरीके से नापा जा सकता है, हाँ तो इसको मेजर किया जा सकता है, वेटनिंग इसको चेक की जा सकती है, वेटनिंग ए सी जेड बी डी, ठीक है, ए बी सी डी जेड वेटनिंग के रूप में मेजर की जा सकती है। अब इसका मकसद क्या होता है कि ऐसा कुछ करके ये लाइंस होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये कितना साउंड है, साउंड का लेवल बताती है, ठीक है। सो ये एक मेजरमेंट टूल यूज किया हुआ है
बस पेपर में 2020 में क्वेश्चन यही आया था कि ये ए वेटनिंग क्या है, या फिर यहाँ पे ये ए जो ए यूज होता है। अच्छा आपने कभी देखा होगा पेपर में भी लिखा होता है, पेपर में लिखा होता है कि 60 dBA, तो इसमें से ए क्या है, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो आंसर था वेटनिंग, ठीक है, क्योंकि ये बताता है कि किस कौन से वाले वेट से मेजर किया गया है, फ्रीक्वेंसी रेंज बताता है कि कौन सी से कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हम मेजर कर रहे हैं वो। सो अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, फिर जल्दी जल्दी से महा एपिसोड कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है, और पेपर टू भी पढ़ता है। एक मिनट, मैं और क्या करा रही हूँ, मैं मस्ती मार रही हूँ बच्चों के साथ, डेढ़ घंटे से क्लास ले रही हूँ। अच्छा तो तुम्हारे कमेंट पढ़ने में 2 मिनट वेस्ट, अपने दो नंबर काटो। चलो अब आते हैं यहाँ पर, हीट ट्रैपिंग नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन मिड 19th century। सो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मेजर करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को मेजर करते हैं हम कैसे, बेसिकली आइस कोर्स यहाँ पे डाले जाते हैं, अंटार्कटिक रीजन के अंदर भी ऐसे किया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिक रीजन में इस तरीके से ड्रिल किया जाता है और यहाँ से आइस कोर निकाले जाते हैं, फिर इनको पिघला के ये चेक किया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कितने समय के बाद कितनी देर में, जो अगर आइस पिघल गई तो वो रीट्रीट हो सकती है, उनको ये चीज उससे चेक की जा सकती है, ठीक है, उसको रीट्रीट कितनी देर में हो सकती है, कितनी देर में वो दोबारा से बन सकती है। हाँ जी, आपको ऑलरेडी पता है कि मैं महा एपिसोड में 6 यूनिट करा चुकी हूँ और आज की 7th यूनिट है ना, 6 यूनिट और, अच्छा इस आज की मिला के 6 यूनिट होगी, सिर्फ 3 यूनिट बचे, 4 यूनिट बचेंगी, वो भी वो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, और आज रात को 10 बजे मैथमेटिकल रीजनिंग की क्लास भी है, तो ऑलरेडी मैं अपने पूरे एफर्ट दे ही रही हूँ आपके साथ, और इतनी जल्दी मैं आपके इतनी सारे यूनिट कवर करा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से करो। हाँ जी, अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये जो सारी क्लोरोज वाली होती हैं, ये बेसिकली टोटल सिक्स, ये टोटल एक तरीके से 6 टाइप की होती हैं। सो इनमें से जो मीथेन है वो लगभग 12 साल तक रहती है हमारे उसके अंदर, एंड नाइट्रस ऑक्साइड 14 ईयर्स तक रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रह रही है 200 ईयर्स तक हमारे इन्वायरमेंट में रह रही है जी। सो अब इस चार्ट से आपको ये समझ में आएगा कि केमिकल्स कौन कौन से हैं और इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नंबर्स में नहीं याद करना, लेकिन सीक्वेंस में याद करना है क्योंकि पेपर में आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब इसके अंदर, इसमें से बेस माना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसको 1 मान के फिर ये देखा गया कि इसके मुकाबले बाकी कितना ज़्यादा एफर्ट वो कर रही है, ठीक है, फ्लोरो वाली, हाँ फ्लोरिनेटेड बोलते हैं उसको गैसेस, वो छोटे से मात्रा में, हाँ ज़्यादातर मैनमेड हो गई, छोटे से मात्रा में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा देती है। सो इसका बेस 1 माना है कार्बन डाइऑक्साइड को, और सबसे ज्यादा फुटप्रिंट किसका है, सबसे ज्यादा कौन सी वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट। अब हम देखते हैं इनका ग्लोबल वार्मिंग फैलाने का पोटेंशियल कितना है। जब आप देख रहे हो ये जो परफ्लोरोमीथेन है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कितना 11,900, ठीक है, तो ये वाली जो है, ये जितनी भी एफ गैसेज है ना, फ्लोरिनेटेड गैसेज है, फ्लोरिनेटेड गैसेज काफ़ी ज़्यादा इनका पोटेंशियल है, होती बहुत कम है लेकिन ये नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा देती है। हाँ जी, एंड अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड वाला पार्ट ये बता रहा है कि ये कितनी देर तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट करती है, रहती है, मतलब अपने आप डिग्रेड नहीं होती। सो जो परफ्लोरोमीथेन है ये 50,000 सालों तक इन्वायरमेंट में परसिस्ट ही रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रस की, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 120 से लेकर 120 तक, ये इसका मतलब ये है कि इधर से लेकर इतने साल के आसपास तक रहती है। एंड देन CFC भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था, जैसे 45 ईयर्स तक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 200 से 200 साल तक रहती है, ऐसा करके मीथेन 8.4 से लेकर 12 ईयर्स तक के आसपास रहती है। जो ट्रोपोस्फेरिक या सरफेस ओजोन है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम तक रहती है, 0.01 या 0.05 ईयर्स तक रहती है इन्वायरमेंट में। और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट करने वाली कंट्री
का हमने ट्रिक भी किया था, क्विज। क्विज मतलब चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, जापान, फिर उसके आगे जी, जर्मनी एंड इस्लामिक रिपब्लिक ईरान। उसके अलावा बाकी भी आपने पढ़ने हो तो इस चार्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस पेपर में बहुत आता है, आपको पता ही है। दूसरा, पर कैपिटा के अंदर आपको ये सारे देखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे इंडिया बहुत ही लास्ट में 21 नंबर पे है, बट फिर क्वेश्चन पूछ लेता है सीक्वेंस में। ज्यादातर इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, वो आते हैं यूएस का आ गया, कनाडा का भी आ सकता है, जापान का, जर्मनी का, साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, यूके भी हो गया, ठीक है, फ्रांस, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील, इंडिया। सो बेसिकली ये वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए, बाकी आप रीड कर लो तो अच्छी बात ही है, ठीक है। तो ये हो गया पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब कि टोटल जो इमिशन कर रहे हैं उसको उनके कैपिटल, उनके पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा आ जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। और ये अंकल जी क्या कर रहे हैं, अरे पिट है, मैंने पिट के नहीं खाया, इसको पिट बोलते हैं, ठीक है, इसको पिट बोलते हैं क्योंकि मुझसे तुम अभी पूछोगे थोड़ी देर में। सबसे ज्यादा कार्बन का पूल कहाँ पाया जाता है, कार्बन का पूल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सेडिमेंट्री कार्बोनेट्स में, मतलब आप देख रहे हो इनकी क्वांटिटी गीगा टन में कितनी होती है, इनकी क्वांटिटी गीगा टन में 60 लाख से भी ज्यादा है। फिर कैरोजन, उसके अलावा फिर ओशंस में से इनऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा हिस्सा है, डीप लेयर का थोड़ा कम। यहाँ पे अगर हम आ जाए टेरेसियल एरिया में तो इस एरिया में सबसे ज्यादा कार्बन का जो हिस्सा है वो आ जाता है फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है। कोयला सबसे ज्यादा है इसमें, इनऑर्गेनिक में कोयला सबसे ज्यादा है। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गई, यस। सीक्वेंस पूछता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल हैजार्ड्स। सो नेचुरल हैजार्ड जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, वो होते हैं जियोफिजिकल। जियोफिजिकल मतलब धरती से रिलेटेड, ठीक है, अर्थक्विक आ गया, लैंडस्लाइड, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, एवलांचेस, ये हमारे नेचुरल हैजार्ड होते हैं। देन हाइड्रोलॉजिकल कौन से होते हैं, एवलांचेस, फ्लड, ये पानी से रिलेटेड होते हैं। देन क्लाइमेटोलॉजिकल, हमारे वातावरण क्लाइमेट की वजह से एक्सट्रीम इवेंट होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना या फिर बिल्कुल पानी पानी यानी कि ब्लड क्या कहते हैं, फ्लड हो जाना, ठीक है वो। मेटीरियोलॉजिकल में क्या फ़र्क होता है, मेटीरियोलॉजिकल में मौसम की, ये क्लाइमेट इन्वायरमेंट तो हो ही गया, साथ ही साथ मौसम की जो खराबी होती है वो भी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजिकल मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वगैरह से की वजह से हो रहा है, अब यहाँ पे मौसम की ज़्यादा खराबी हो रही है वो। और इस वे में क्या होता है कि हवाएं चलने लग जाती है, बहुत तेज तेज हवाएं चलने लग जाती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल होते हैं जो कि जैसे एपिडेमिक्स हो गए, जैसे कोरोना हो गया, ये भी बायोलॉजिकल डिसीज है, ठीक है। एंड देन हाइड्रो मेटीरियोलॉजिकल में क्या है, मौसम की खराबी के साथ साथ इधर क्या हो रहा है, इधर स्टॉर्म आ रहे हैं, स्टॉर्म आंधी तूफान आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले क्लाइमेटोलॉजिकल में क्या आया था, या तो सूखा पड़ रहा है, या तो आग लगती चली जा रही है, या तो बिल्कुल फ्लड 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 आता चला जा रहा है ऐसा। जब मैं हाइड्रो पे आ गई हूँ तो हाइड्रो के अंदर मौसम की खराबी की वजह से यानी कि तूफान आने के साथ साथ पानी का भी हाथ होता है, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस, फिनोमिना, एटमोसफेयर, हाइड्रोलॉजिकल और ओशनोग्राफी, इन सब के मिक्सचर की वजह से ही आता है, बाढ़ आना, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सूखा पड़ना, डेजर्टिफिकेशन, ये सब, हरिकेन आना, ट्रॉपिकल साइक्लोन आना, टाइफून आना, ठीक है, तो ये सब होते हैं इसकी वजह से। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप एज पर क्वेश्चन रेलेवेंट के हिसाब से चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, और बताओ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया, सिंपल सी बात है। टाइप ऑफ मिटिगेशन स्ट्रक्चरल, मिटिगेशन मतलब अगर हमें इन सबको रोकना है तो क्या करना चाहिए, तो डिजीजेस को रोकना है तो उसको रोकथाम के तरीके को बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन के लिए कुछ रोकथाम होती है स्ट्रक्चरल, कुछ होती है नॉन स्ट्रक्चरल। यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऐसी होती है जो कि ढांचागत होती है, जहाँ पे हम लोग किसी कमरे को, किसी बिल्डिंग को, किसी जगह को चेंज करके, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करके बचाते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करना, स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन करना, चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना, ठीक है, फिजिकली मॉडिफाई करना। नॉन स्ट्रक्चर ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग चीज़ें ढांचे को चेंज नहीं करते, बल्कि उसकी जोनिंग अलग कर देते हैं, जैसे कि रेड जोन में मत जाना, ग्रीन जोन में जाना, ऐसा।
ओपन स्पेस को संभालना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये कहना कि डिनायल ऑफ सर्विस मतलब यहाँ पे एंट्री बंद है, यहाँ कोई नहीं आएगा, डेंजर है इस साइड पे, देन डेंसिटी यानी कि घनत्व को रेगुलेट करना कि भाई इतने से ज़्यादा लोग इस एरिया में नहीं जा सकते एक समय पे, बिल्डिंग के यूज़ को रेगुलेट करना कि किसको कैसे यूज़ करना है, इसी पर्पज़ के लिए करना है, तो ये सब चीज़ें, इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेकर आना, ठीक है, कुछ सब्सिडीज निकालना, तो ये सारे नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं। एवलांचेस क्या होते हैं? एवलांचे होते हैं हिमसंकलन, और ये बेसिकली क्यों होते हैं एवलांचेस? एक तो यहाँ पर जियो भी हो रहा है, ऊपर से हाइड्रो भी हो रहा है, तो हाइड्रो मेटेरोलॉजिकल भी हो सकता है, और जियो यानी कि यहाँ पे एक तरीके से जो अर्थ होती है, अर्थ की जो प्लेटलेट्स हिलती हैं उसकी वजह से भी ये संकलन होने लग जाता है, ठीक है। वो ब्लिजार्ड जो होते हैं वो छोटे लेवल के अवलांच होते हैं, हिमसंकलन छोटे लेवल के होते हैं तो उनको ब्लिजार्ड बोलते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है इस चार्ट के हिसाब से कि जो ब्लिजार्ड है, देखो अर्थक्विक आ गया, सुनामी आपका जियो फिजिकल में आएगा, हाइड्रो में मत घुसाते ना, क्योंकि ये सिर्फ अर्थक्विक की वजह से ही होता है, समुद्र के नीचे अर्थक्विक आता है इसकी वजह से सुनामी आती है, ठीक है। ब्लिजार्ड कहाँ गया, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये रहा, तो मटेरियोलॉजिकल में ब्लिजार्ड आ जाता है, हाइड्रोलॉजिकल में अवलांच आ जाता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, स्नो कवर होता है अवलांच में, और वो सारा का सारा स्नो कवर क्या होता है, गिरने लग जाता है, और पानी भी बह जाता है, स्नो भी गिरने लग जाती है। अर्थक्विक की बात करते हैं, तो अर्थक्विक में बेसिकली जो पी वेव होती है, एस वेव होती है, वो अर्थक्विक से रिलेटेड होती है। पी वेव जो ना वो क्या करती है, वो ऋतिक रोशन वाला डांस करती है, वो आगे वाली प्लेटलेट्स को ऐसे धक्का मारती है, ऐसे वाला। फिर उसके बाद जो साइड वेव्स होती है वो स्कूल में जैसे बच्चे करते हैं, तो साइड ये साइड से धक्का मारती है साइड वाली चट्टानों को, एंड देन एल वेव क्या होती है, ये पूरा ऐसे ऐसा रोल कर देती है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको खड्डे दिखाई दे रहे होंगे, तो ऐसे कर देती है, अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, ठीक है। तो ये तो होती है, और इसके बाद फिर रेलेग वेव्स आती है, लव वेव्स आती है, वो बेसिकली हमें महसूस होती है, ठीक है। हाँ जी, ऐसा एक एरिया होता है जहां पे ये सारी वेव आई, इधर से ना वो पुश कर रहा है, ऋतिक रोशन का डांस कर रहा है, आप सोचो एक बच्चा आपको आगे पुश कर रहा है, इधर वाला बच्चा इधर साइड में पुश कर रहा है, इधर वाला इधर पुश कर रहा है, आप खेलोगे, आप वहीं पर रहोगे, तो इधर अर्थक्विक आता ही नहीं है, इतने सारे सेस्मिक एक्टिविटी के बाद भी नहीं आता है, उसको बोलते हैं शैडो जोन, उसको बोलते हैं शैडो जोन। ये री ये सरफेस वेव कहलाते हो कि ये एक्चुअली हमें इस महसूस होती है, जो पी एल और एस थी ना वो बॉडी वेव्स थी जो अर्थ के अंदर अंदर आती है, ये हमें महसूस होती है। लव वेव्स फास्टेस्ट सरफेस वेव है जो मूव करती है ग्राउंड को साइड टू साइड, ऐसे ऐसे साइड टू साइड, एंड रेलेग वेव जो होती है वो ग्राउंड को पूरा रोल कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा धरती वहां से खड्डा ही हो जाता है, ठीक है, ब्रेक ही हो जाता है। रिचर्ड स्केल होता है जिसमें हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, वो एक पल का, हाँ वही वाला गाना है, एक पल का जी ना। सो लेवल्स हम इसको समझते हैं, मैग्नीट्यूड जो बेसिकली हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक का, इसको रिचर्ड स्केल में मेजर करते हैं, इसको इन्वेंट किया गया था 1935 में चार्ल्स एफ रिचर्ड ऑफ कैलिफोर्निया ने। सो ये इतना भयानक सा करना नहीं है, मैं शॉर्टकट बता देती हूँ आपको। शॉर्टकट में ऐसा है कि अगर वो मैग्नीट्यूड को बोलेगा कि एक अर्थक्वेक दूसरे अर्थक्वेक के अंदर कितना मैग्नीट्यूड तीव्रता है, तो फिर अगर कोई अर्थक्वेक मान लीजिए 4 रिचर्ड स्केल पे आया और दूसरा अर्थक्वेक 5 पे आया, तो मतलब इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो ये पहला अर्थक्वेक दूसरे वाले के 10 गुना तेज होगा। अगर अगला वाला 6 पे आया तो 4 वाला 4 एंड 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, तो ये 100 गुना होगा, 10 को 10 का मल्टीपल में चलता है ये, समझ आ गई। एंड देन अगर अर्थक्वेक का एनर्जी पूछे तो एनर्जी 31.7 टाइम्स होती है, तो अगर हाँ जी रेक्टर स्केल, हाँ रेक्टर स्केल आप कह सकते हैं, ठीक है। सो अगर एनर्जी, अगर अर्थक्वेक एक 4 आया है और एक 6 आया है, तो 2 है डिफरेंस, तो इसलिए 31.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक डिफरेंस है तो 31.7 आंसर है, तो ऐसा करके। देन हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, भाई इतनी बड़ी पीपल एनवायरमेंट 2 घंटे हो गए मेरे को क्लास लेते थे, खत्म नहीं हो रही,
कोई बात नहीं, करते हैं जल्दी करते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो भंडार हैं रिसोर्सेज है वो कम होते हैं, एंड रिन्यूएबल इसलिए बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल को क्योंकि नॉन कन्वेंशनल हमें अभी पता चला है इनके बारे में बट इनके भंडार बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कमर्शियल लेवल में हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर फायरवुड, स्ट्रॉ होता है वो होता है ना, जो पराली भी करते हैं जिसकी, वो सूखी हुई घास टाइप जो निकलता है खेतों से, ड्राई डंग मतलब जो गायें का गोबर वगैरह ये सब। देन नॉन कन्वेंशनल में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो है बायो एनर्जी, सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट, ये सब चीजें होती हैं। अब हम सीधा सोलर एनर्जी पे आते हैं। सोलर एनर्जी में दो तरीके की सोलर एनर्जी है, एक तो ये वाली जिसके ऊपर ड्रम लगा ये होता है सोलर सेल, और ये वाली फोटोवोल्टाइक। ठीक है, जो सोलर सेल है इसमें डीसी करंट ही सीधा होता है और उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इसमें पानी भरा होता है और जो सूरज की रोशनी आती है वो इसको हीट करती है और उसको बैलेंस करने का काम करता है ये पैनल, कि लंबे समय तक उसको गर्म ही रखे, और उसकी वजह से डीसी करंट प्रोड्यूस होता है और उससे बिजली यूज करते हैं। और जब हम यहाँ आए फोटोवोल्टैक पीवी सिस्टम के ऊपर, तो पीवी सिस्टम ये वाला होता है, इसके अंदर साथ में बैटरी लगती है, तो जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो बैटरी की वजह से एसी में बदल जाता है। ठीक है, वो चीज। हाँ, और ये जो सोलर पैनल्स हैं इनको यूज करने के लिए पहले ये सेल होता है छोटा सा, छोटे छोटे सेल को मिलाते हैं तो मॉड्यूल बनता है, उनको मिलाते हैं तो एरे बनता है, एरे को भी मिलाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एरे हैं तो पूरा पैनल बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके सोलर पैनल तैयार होता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की थी इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। ठीक है, तो यहाँ ये वो वाली कंट्रीज में जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा धूप निकलती है, तो धूप को प्रिजर्व करके उससे एनर्जी बनाने के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, सो कोलैबोरेशन है ज्वाइंट रिसर्च करने के लिए, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, 24/7 एक दूसरे का साथ देने के लिए ऑनलाइन, सो ये सब है। बैटर कौन सा है? अच्छा, जो रेस्टोरेंट होटल्स होते हैं ना उनको ये ज्यादा बेटर लगता है, तो आप बड़े बड़े होटल्स में देखोगे तो ये लगे होते हैं और ये भी लगे होते हैं। बेसिकली जो हम घरों में यूज कर सकते हैं हमारे लिए सेफ पर्पस के लिए, हम पीवी सिस्टम यूज करते हैं हम, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है ये थोड़ा सा डेंजरस भी होता है। अल्टरनेट करंट जो होता है वो बैटरी में स्टोर करके उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए अगर घरों की बात करेंगे तो मेनली हम लोग ये यूज करेंगे पीवी फोटोवोल्टैक वाला। एंड वो लोग इसको संभाल सकते हैं, वहाँ पे उनकी छतों में कोई जाता नहीं है, ज़्यादा इश्यूज होगा नहीं, तो इस वजह से वो उनके लिए ये सस्ता ही पड़ता है और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी बच जाती है कमर्शियल यूज़ के लिए। सो इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड का प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन बाय फ्यूल। सो ये जो प्राइमरी एनर्जी है, कोयला हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर यूज़ करते हैं, फिर नेचुरल गैस, फिर हाइड्रो, फिर न्यूक्लियर, फिर ऑयल, फिर अदर्स। एंड अगर हम बात करें ये तो हो गया ना, इंस्टॉल कैपेसिटी विंड की कौन सी वाली है? यस, विंड वाली में चाइना सबसे ज़्यादा गीगावाट विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। US की थर्ड नंबर पे, जर्मनी की, US की सेकेंड, फिर जर्मनी, फिर इंडिया। इंडिया की इतनी गीगावाट कैपेसिटी है। यस, जलंधर में टाइम मिले वहाँ क्लास चालू कर देता हूँ। अच्छा, वैसे जिधर क्लास, मैं कह रहा जलंधर लिख रहा है। अच्छा जी, तो ये आपको समझना कि टॉप 10 कंट्रीज विंड के लिए। और जो विंड एनर्जी होती है आपने ये देखा तो होगा ही, तो ये वाला कौन ज्यादातर इंडिया में कौन सा यूज हो रहा है? प्रोपेलर, प्रोपेलर ये वाला है, तीन तीन वाला देखा होगा ना आपने ज्यादातर, तो इस टाइप का यूज हो रहा है। वैसे इसके और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि सावोनियस, डेरियस और रोटर, ये रहा। और ये डच विंड मिल भी होती है। सो प्रोपेलर जो होते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड होती है, जिसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस विंड टर्बाइन HAWT बोलते हैं, तो ये मेनली ज्यादातर हम यूज करते हैं। किसी के पास क्वेश्चन बैंक है 2020 की? उसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए हैं, लेटेस्ट करा रही हूँ सारा कंटेंट में। ठीक है, एज एट प्रेजेंट इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी कैसे देखी जा सकती है बताओ? जो हमारे टारगेट के हिसाब से है वही आंसर है। तुम लोग पता नहीं क्या घबरा के कौन सा आंसर देते हो, सिंपल है ये।
हाँ जी हो गया. सो आंसर हियर इज थर्ड. ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर. क्योंकि ए बी सी डी ई, ये जियो थर्मल पावर प्लांट के बारे में किसी भी इसमें लिखा है कि हमारे इंस्टॉल्ड के अंदर है? बताओ. नहीं ना, अभी तो बताया कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो न्यूक्लियर ऑयल. तो इसमें जियो थर्मल का नहीं मेंशन है, इस वजह से ही आपका आंसर वो वाला है. समझे? ये रहा ना, विंड सोलर पावर प्लांट, बायोमास, स्मॉल वेस्ट टू पावर, कोल, रिन्यूएबल, लार्ज गैस, न्यूक्लियर, डीजल. हम इसको मेजर कर रहे हैं बेसिकली इंस्टॉल्ड के अंदर. ये इंस्टॉल्ड है, देखो इंस्टॉल्ड लिखा ऊपर. अच्छा, द पोटेंशियल ऑफ जियो थर्मल पावर प्लांट अप्रॉक्सीमेटली कितना है इंडिया में? मैं देती हूँ पोल. पहले वाले में देना भूल गई थी, पोल इधर ना बस बनाना पड़ता, आता तो है यहाँ पे. लो आ गया. ठीक है, गुड टू ऑल. इंडिया में कितनी कैपेसिटी है इसकी? 10. तुमने क्या आंसर दिया था? ध्यान नहीं, लेकिन 10 है कैपेसिटी भाई, मतलब 10,000 मेगावाट एंड 10 गीगावाट. ठीक है, ये अच्छा वो ही कर दिया, उसका टाई कर दिया था. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट बायोमास. बायोमास जो होते हैं, देखो बायोमास जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में है, लेकिन नेचुरल गैस इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. तो बायोमास में जितना भी कूड़ा करकट होता है सब एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो इधर लैंड बहुत ज़्यादा खपत होती है, इसमें पानी की भी बहुत ज़्यादा यूसेज होती है, और फिर उसको प्रोसेसिंग करके बायोमास को प्रोसेस करके बायोगैस बनती है. ये मास यानी कि सारा मास इकट्ठा कर दिया. मास मतलब कि कितना ज़्यादा वेट है किसी चीज़ का. अब हम बात करते हैं एलर्जेंस क्या होता है. एलर्जेंस बेसिकली एंटीजेंस होते हैं, इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन कर देते हैं. फिर उसके बाद कार्सिनोजन कैंसर पैदा करने वाले होते हैं. म्यूटाजेंस हमारे डीएनए में चेंजेस कर देते हैं. टेराटोजेंस होते हैं, वो बर्थ डिफेक्ट डाल देते हैं, बच्चे पैदा करने में इश्यूज आ जाता है. फिर इसमें फ्यूटस वगैरह एम्ब्रोया में इश्यूज करते हैं. एंड देन ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइक्रो बैक्टीरियम की वजह से होती है. एंथ्रेटिस इन्फ्लेमेशन है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये गंदा पानी पीने वगैरह की वजह से होती है, गंदा खाना खाने की वजह से होती है. पोलियो पोलियोमाइलिटिस के लिए है, और ये एक तरीके से पैरालिसिस की आ जाती है नौबत. और ये भी बेसिकली जब हम देखें कम्युनिबल है, जिसको ऑलरेडी पोलियो दिक्कत है वो दूसरों को भी फैल जाता है. और सही तरीके से सही ढंग का खाना ना खाना, कंटेमिनेटेड वाटर पीना, उसकी वजह से भी पोलियो हो जाता है. ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे होते हैं? सो बेसिकली यहाँ पर जो जीरो म्यूचुअलिज्म, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो भी है, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, वो देखेंगे. म्यूचुअलिज्म में ऐसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कि दोनों को ही फायदा होता है, प्लस प्लस. कमेंसलिज्म में पॉजिटिव विद नो इफेक्ट, एक को फायदा होता है दूसरे को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. एंड पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है. न्यूट्रलिज्म में कोई इफेक्ट नहीं होता दोनों को. देन एवंसनिज्म में एक को नुकसान होता है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता. एंड कंपटीशन के अंदर दोनों को नुकसान होता है. ठीक है, ये होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम. मिथेग्लोबिनीमिया, मिथेग्लोबिनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का नीला पड़ जाता है, और इसमें ये होता है नाइट्रोजन की मात्रा पानी में ज्यादा होने की वजह से. अल्बेडोज होते हैं, जैसे हम देखें कार्बन सिंक का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब कर सकता है. अब अल्बेडो होता है कि जितना कार्बन हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जितनी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाई वो वाला हिस्सा, या रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वो वापस रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको अल्बेडोज बोलते हैं. ठीक है, तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने वाला ओशियन होता है, तो इसमें अल्बेडो सबसे कम है यानी कि 10% अल्बेडो. और उसके बाद सॉयल होती है 60% तक, तो इसके अल्बेडो 40%. और जो ठंडा इलाका होता है वहां पर अल्बेडो सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ट्रैप नहीं कर पाता है.
सोलर वाटर स्टील ऐसा है जिसके अंदर आप नेचुरल तरीके से पानी को साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सोलर वाटर स्टील। जिसको थैंक यू करके क्लास को एंड करना है वो खुद चला जाए ना, बाकी भी रिकॉर्डेड देख लेना, मैं तो बढ़ा रही हूं, मैं पूरा खत्म करा के जाऊंगी। ठीक है, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना बाय बाय। अब आते हैं कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है, अगर हमें बायोमास बायोफ्यूल सही तरीके से चला बनानी है तो फिर कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो सही मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है, सो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कार्बन और नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो 100 dust के अंदर ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो वीट स्ट्रॉ, और सबसे कम डंक डंक के अंदर होता है। तो ऐसा करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डंक मतलब उनका जो जैसे एक्स्ट्रा निकलता है ना, जैसे गोबर वगैरह ये होता है। कौन कौन से मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, जैसे अगर देखो कोयला कहाँ पाया जाता है इंडिया में सबसे ज्यादा, झारखंड में। ठीक है, ये पेपर में आ गया था आपका कि यूरेनियम थोरियम प्लूटोनियम कहाँ पाया जाता है, केरला में। तो ऐसा करके इनको आपने गो थ्रू करना है इस चार्ट में से। ठीक है, सो फाइनली थैंक यू सो मच, इतनी सी बात थी, इतना बड़ा बखेड़ा कर रखा था। सो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो वीडियो के बाद इसके अंदर कमेंट में आगे कमेंट करे, करें ना करें ना करें। ठीक है, सबने कमेंट करना है, सिंपल सी बात है। ओके, सारे बच्चे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एंड उसके अलावा ये बुक का आखिरी स्टॉक बचा है फ्रेंड्स, जिसको पढ़ाई करनी है तो डेफिनेटली नवदीप एनडीए बुक सर्च कर सकता है, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, कहीं से भी ले सकता है। ठीक है, सो बुक को लेकर इससे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक्स। सो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सभी प्रीवियस क्वेश्चन भी है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, और मैं फ्री वाली क्लास में आपको कंसेप्ट करा दिए हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मिला के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। महा एपिसोड की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस प्लेलिस्ट से जाके पेपर वन पेपर टू की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें 2020 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर उसके बाद यूनिट वाइज, उसके बाद 2019 से लेकर 2004 तक के हैं यूनिट वाइज, और यहाँ पे आखिरी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिए मेरे खुद के बनाए हुए, एक्सप्लेनेशन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड। और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो बुक इंग्लिश मीडियम में ही है, अगर आप इंग्लिश मीडियम नहीं है हिंदी मीडियम है तो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को मिला के भी पढ़ाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम की ई बुक मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, कुडोज ई लर्निंग ऐप में अकाउंट बनाकर मेरे को ईमेल कर देना तो मैं आपको वो भी साथ में दे दूंगी। ठीक है, 24 घंटे थोड़ा सा रुक लिया करो, अब बोल दिया ना पंकज ईमेल करो तुम। हाँ ठीक है, मुझे लगा वही मैसेज कर रहा है सेम सेम। ओके, सो कहो का डांग गाली दे। कॉमर्स का पेपर टू की जो बुक है इसके अंदर सी ऑल बाइंग ऑप्शन में क्लिक करोगे ना तो बाय का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ये कंसेप्ट भी है कॉमर्स की बुक में, तो प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड और यूज भी है। सो टेलीग्राम पे नव क्लासेस सर्च करके फॉलो करके रखिए। ठीक है, और इसमें मैं डेली मॉक टेस्ट देती हूँ फ्री, तो वो भी आप साथ में देख पाएंगे। अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, इस बार जेआरएफ लेकर रहेंगे। थैंक यू टू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक्स। हाँ जी मैम, मैसेज पढ़ू, किसका पढ़ू, देती है आशीष, यही बस मुंदर सुंदर जिए हजारों साल साल मेरा सिकंदर। ठीक है, पढ़ लिया खुश, थैंक यू।